हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली में मैं मेरी टीम के साथ यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, रितु आनंद। और रितु से मैं खुद ही जानूंगा कि वो किस प्रोफेशन में थी और कहाँ से बिलोंग करती है एक्चुअली, और दिल्ली में अभी कैसे बिजनेस को बिल्ड कर रही है। सो रितु, आप थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रो देंगी अपने बारे में एक बारी? हाय एवरीवन, मेरा नाम रितु आनंद है। मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप पटना बिहार से हूँ, बट शक्ल पे लगता नहीं है, दैट्स ओके। बट मेरी एजुकेशन गुड़गांव से हुई, माय ग्रेजुएशन बेसिकली, एंड जॉब भी मैंने दिल्ली एनसीआर में ही सो किया बेसिकली है। आप ग्रेजुएट हो? हाँ, ग्रेजुएट तो हूँ ओके, मैं। ग्रेट। हाँ, एंड किस कॉलेज से थे आप? मैं इंस्टीट्यूट ऑफ अपैरल मैनेजमेंट से थी, दैट वॉज ओके, इन गुड़गांव। इट वॉज इन टू फैशन इंडस्ट्री, विच वॉज मोर अबाउट फैशन एंड रिटेल रादर देन ओके, एनीथिंग एल्स। ओके। एंड वहाँ से निकल के दिल्ली एनसीआर में 6 साल जॉब करने के बाद तो मैं दुबई में नहीं, थी। तो 6 साल जॉब आपने कौन से ब्रांड के साथ किया था, और एज अ किस प्रोफेशन पे आप थी? मैंने स्टार्ट किया था एज अ फोटोग्राफर। ओके, एंड फोटोग्राफर देन? से मैं ग्राफिक डिज़ाइनर बनी, ग्राफिक ओके, डिज़ाइनर से मैं रिटेल में गई। रिटेल में मैंने 2.5 साल काम किया, वेर आई गॉट टू नो माई द बेसिक स्किल एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल, विच इज़ कम्युनिकेशन ऑफ माइंड, विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। वहाँ से मैं रिलायंस के साथ थी, रिलायंस ब्रांड्स लिमिटेड ओके, में स्टीव मैडन के साथ थी मैं। मैंने स्टीव ढाई साल मैडन के साथ हाँ, थी। स्टीव ओके, मैडन एक प्रीमियम ब्रांड है, लग्जरी ब्रांड ऑलमोस्ट। फुटवेयर में काम करता है, लेदर्स में काम करता है। हाँ, लेदर एंड नॉन लेदर एज वेल, एंड इट्स अ US बेस्ड ब्रांड, न्यूयॉर्क का ब्रांड है वो। तो मेरी जो लास्ट मुलाकात थी उसके बाद मुझे फिर आपने बताया था कि आप दुबई चले गए थे, हाँ जी, स्टीव मैडन में ही गए थे। मैं दुबई गई थी स्टीव मैडन में, बट वहां पे स्टीव मैडन की फ्रेंचाइजी किसी और ने ले रखी थी, विच वाज लैंडमार्क ग्रुप। और उसके बाद फिर कितने साल तक वहां पे काम किया? मैंने 1.5 साल वहां काम किया। 1.5 साल वहां पर काम करने के दौरान जो सबसे जो क्रुशियल टाइम था, जो मैं एक्चुअली मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, एक बहुत ही अच्छी कॉरपोरेट रिटेलर है रितु, इनफैक्ट मैं कह सकता हूँ थी, ठीक। हाँ थी, एंड ड्यू टू सम इशू जो हुआ इसके साथ, शी वॉज ऑन अ वेरी हाई पे पेड में, हाँ जॉब बहुत हाई पेड जॉब पे थी, और मेरे ख्याल से लगता है कि वो मोर देन लाख रुपीज से ऊपर इस एज में, एट द एज ऑफ 25-26 अर्न करना, ये एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है कॉरपोरेट से। बट इसने क्या महसूस किया, एंड वाई शी स्टार्टेड विथ अस मीन्स वेस्टीज के साथ क्यों शुरुआत किया? मैं चाहूंगा रितु, वो एक वक्त जो कोविड के टाइम पर तुम्हारे साथ हुआ, और जब तुमने वो रियलाइज किया कि नहीं यार, लाइफ में पैसे तो बना रही हूं पर वो सिक्योरिटी जो चाहिए वो जॉब में है नहीं है। मैं चाहता हूं पूरा वर्ल्ड, पूरा हिंदुस्तान और जितने भी यंगस्टर, बेसिकली स्टिल दे आर ऑन डाउट कि वेस्टीज उनके करियर के लिए है नहीं है। तो तुम एज अ करियर ले चुकी हो, जैसा मैं जानता हूं पिछले 2-3 महीने से हम फुल टाइम काम कर रहे हैं साथ में, यस। तो वो एक मैसेज क्या हुआ था और क्यों स्टार्ट किया, जरा इन शॉर्ट? आई वॉज स्विचिंग माई जॉब, ठीक है। मैंने जॉब स्विच किया, दूसरे कंपनी से ऑफर लेटर आया, वेरी गुड अमाउंट इन लैक्स इन इंडियन रुपीज, एंड इट वॉज समथिंग अमेजिंग दैट आई वॉज जस्ट अबाउट टू डू, बट करोना हैपेंड। करोना ने हमें घर बैठा दिया कुछ उसने ये महीनों कहते के जॉब लिए। करो ना, जॉब करोना, करोना ये कहते जॉब करो ना, ठीक है, ओके। जब उसने घर पे बैठाया तब मेरे अंदर एक एक सवाल आया था उस टाइम पे कि यार जॉब ही ढूंढूं मैं या फिर कुछ और भी कर सकती हूँ। देन वॉज द टाइम वेन समबडी आस्क्ड मी अ वो एक क्वेश्चन, क्लिक किया दिमाग एक में क्लिक जो मेरे पास आया था, वो एक सवाल था कि दैट कोविड के बाद मैं अनएम्प्लॉयमेंट हुई, मेरे सामने अनएम्प्लॉयमेंट आया, मेरी जॉब गई, मैं वेट कर रही थी कि कोविड हटे और मैं इंडिया वापस जाऊं। जाऊं, उस दौरान तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आया कि वापस से क्या मैं वही करूं 5-6 साल करके वापस से फिर? दैट वॉज द हाँ करेक्ट थिंग जो मेरे दिमाग में आया कि मैंने हाँ 6 साल जॉब किया। किसी ने मेरे से पूछा था ये ये पॉइंट हिट करो। कि 6 साल से जॉब कर रही हो, क्या मिला है? दैट वॉज द क्वेश्चन विच रियली शुभ मी ऊपर से नीचे तक कि 6 साल तुमने सच में जॉब किया है, तुमने क्या कमाया उस 6 साल में? 10,000 से 20,000, 20,000 से 30,000, 30,000 से 50, 50 से लाख, लाख से 1,20,000, हाई पेड सैलरी जो सबसे थी हाईएस्ट जो मेरी वहां एक तक गई लाख थी। बीस हजार रुपए तक रितु रिटेल से ले चुकी थी, बट कॉर्पोरेट से ले जब चुकी। जॉब चली गई तो महीने का एक्सपेंस और पैसा कहाँ से आ रहा है? जॉब तो नहीं है। ओके,
जब तक मैं जॉब नहीं करूंगी तब तक पैसा नहीं आएगा, इसका मतलब इट्स एक महीने का साइकिल कि 30 दिन में पैसे आए 30 दिन में खत्म, अगर हल्की फुल्की आपने सेविंग कर पाए। बट बीइंग अ यंगस्टर सीइंग माय फैमिली एंड एवरीथिंग कि उनको भी हेल्प करना और सारी चीजें करनी है, उन चीजों को फोकस में रखते हुए देखूं मैं, तो मेरे लिए वो बहुत अमाउंट कम था। एंड दैट 6 साल का क्वेश्चन रियली स्ट्रक मी कि क्या किया है तूने जीवन में कि तू 25 साल में अपना घर लेना चाहती थी और तू 25 साल में अभी तक इस जॉब के चंगुल में फंसी हुई है। दैट वॉज द टाइम वेन आई केम टू अ पर्सन, मिस्टर अशर सर, इन्होंने मेरे को बहुत ज्यादा गाइड किया। ही टोल्ड मी अबाउट समथिंग व्हिच वाज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट वाज नॉट टू इजी टू जस्ट गाइड हर। इसको गाइड करना इतना भी आसान नहीं था और ये इसको समझा पाना कि डायरेक्ट सेलिंग इसके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट। मुझे 2 साल लगे हैं। एग्जैक्टली 2 साल मेरा फॉलोअप रहा है, 2 साल कंसिस्टेंट इनका फॉलोअप रहा है। सो एक लाइन में रितु, मतलब वो जो एक पैंडेमिक सिचुएशन तुम्हारे साथ, एक पैंडेमिक आया और पैंडेमिक जिन लोगों की भी नौकरियां गई उनके साथ एक बहुत बड़ा पैंडेमिक रहा, तो उन तमाम लोगों के लिए जो अभी जॉब कर रहे हैं या वो तमाम लोग जो अभी भी जॉब के साथ ये सोचते हैं कि हमें करना चाहिए, स्टार्टअप लेना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग के साथ, वेस्टीज के साथ नहीं लेना चाहिए, उनको एक मैसेज क्या देना चाहोगी? उनको एक यही मैसेज है कि एक सैलरी आती है आपको 10 तारीख को, 1 तारीख को, 31 तारीख को, 30 तारीख को, ठीक है? वो सैलरी आती है, आप रेंट में दे दोगे, आप गाड़ी में दे दोगे, पेट्रोल, खाना पीना सब में खत्म। व्हाट अबाउट एन इनकम वेयर यू डोंट डू अ जॉब, वेयर यू आर ऑन लीव, वेयर यू वांट टू ट्रैवल एंड स्टिल यू गेट दैट मनी? दैट इज द मनी विच आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट इज पैसिव इनकम। एग्जैक्टली, मैं अगर इस इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, मैंने अगर 1 महीने 2 महीने मैंने काम नहीं किया, जस्ट बिकॉज ऑफ द पीपल हु आर देयर इन दिस इंडस्ट्री विथ माई नेटवर्क हु आर वर्किंग, आई विल बी स्टिल गेटिंग एन अमाउंट, आई विल बी लिविंग माई लाइफ। एंड दैट्स थिंग्स हैपन विथ अस इन कोविड मैम, कि अप्रैल मंथ में जब मारुति सुजुकी जैसा ब्रांड जीरो सेल किया, उसने जीरो सेल जब उसने दर्ज करी, उस टाइम पर भी वेस्टिजियन हम लोग 1.5 लाख रुपए का चेक अप्रैल मंथ का हम लोगों ने उठाया। तो ये इससे बड़ी सिक्योरिटी की, जब लोग कहते हैं, जब माँ बाप कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अभी भी सिक्योर्ड नहीं है या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वो बात नहीं है, तो मैं इससे बड़ा लाइव एग्जाम्पल मेरे ख्याल से नहीं दे सकता। और मैं समझता हूँ रितु आज आपको जैसे भी वीडियो के ऊपर दिख रही है, बट रितु के साथ दुबई में हो क्या रहा था, चल क्या रहा था दिमाग में, वो मैं जानता हूँ। और वो सारे मेल मेरे पास पड़े हुए हैं जिस मेल के थ्रू वो कन्वर्सेशन हुआ कि हाउ वी कैन स्टार्ट वेस्टीज बिजनेस इन दुबई, कैसे क्या कर सकते हैं, सब कुछ। सो गाइज, एज आई रिकमेंड यू, मैं चाहूंगा वो रिकमेंड मेरे ख्याल से रितु ही करे और समअप करे इस वीडियो को, सो दैट आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा और ये 8-10 मिनट की वीडियो शायद आपको अपनी जिंदगी में पैसिव इनकम को अर्न करने के लिए एक स्टेप वेस्टीज की तरफ जरूर ले जाए। सो मैं चाहूंगा आप समअप करो। समथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट इज पैसा आना। पैसे नहीं रहेंगे तो आप बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं कर सकते हो, खाना भी बनाना आप नहीं कर सकते हो। बट पैसे कैसे आ रहे हैं वो समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जॉब करके पैसे आ जाते हैं, बट एक नेटवर्क अपना बनाना, एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आप अगर काम कर रहे हो, ठीक है, उसका एक जो पैसिव इनकम और एक सिक्योरिटी है वो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। वेस्टीज इज वन कंपनी विच इज आर्स, आई कैन जस्ट कॉल इट, इट्स माई कंपनी। एग्जैक्टली, बिकॉज वी आर बिल्डिंग इट अप। बिल्कुल, इट्स नॉट दैट समबडी एल्स इज बिल्डिंग इट अप, इट्स आर कंपनी हु वी आर बिल्डिंग। एंड प्लस जितनी भी चीजें हमारे वर्ल्ड में होती है वो नेटवर्क के थ्रू ही होती है। नेटवर्क नहीं होता तो हम अभी वीडियो नहीं बना रहे होते, वीडियो अपलोड नहीं हो रहा होता, हम कोई इंटरव्यू कर नहीं रहे होते, मैं इनको नहीं जानती, ये मेरे को नहीं जानते। सो एवरीथिंग इज नेटवर्क। सो बिलीव इन नेटवर्क, बिलीव इन योर सेल्फ एंड जस्ट गो फॉरवर्ड विद समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एज डायरेक्ट सेलिंग, because this industry is blooming, this is a proper legit work that you do, because if you don't do hard work paise isme bhi nahi aate hain jo aapko sapne dikhate honge ki aap aise paise kama sakte ho yahan pe, wo nahi hai, you have to do a hard work and you have to gain that confidence and just trust in yourself and prestige. Great, wish you wealth. Thank you so much Ritu, tumhara ye feedback होपफुली पूरे इंडिया में यूथ को और वो तमाम लोगों को, चाहे वो जिस भी लेवल पे हैं, जिस भी एज फैक्टर में हैं,
उनका ये एक डाउट क्लियर करने में मदद करेगा कि डायरेक्ट सेलिंग उनकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। और अगर आप अभी भी नई शुरुआत कर रहे हैं और आप अभी भी 15-20 हज़ार रुपये की नौकरी में फंसे हुए, तो एक बार रितु की यह वीडियो आपको याद दिला देगी कि 1,20,000 की नौकरी को अभी ड्रॉप करके फुल टाइम शी इज़ डूइंग वेस्टीज, और बहुत जल्द हम रितु के 1,30,000 रुपये के चेक के साथ वापस से एक इंटरव्यू बनाने वाले हैं। यस तो ये होने वाला है। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, बाय।